मारा गया मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। आतंकी हाफिज सईद को जहर दिए जाने की बात सामने आ रही है। उसे अज्ञात लोगों ने खाने में जहर दे दिया। खाने के कुछ देर बाद आतंकी हाफिज सईद को खून की उल्टियां हुई। हालत बिगड़ने पर आतंकी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर आतंकी हाफिज सईद ट्रेंड कर रहा है, हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। हाफिज सईद मुंबई के हमलों का मास्टरमाइंड है, फिलहाल पाकिस्तान की हिरासत में है और 78 साल की सजा काट रहा है। आतंकी हाफिज सईद को जहर दिए जाने की खबर ऐसे मौके पर आई है जब ब्रिटिश अखबार ने पाकिस्तान में करीब 20 आतंकियों की टारगेट किलिंग में भारत का हाथ होने का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, अब भारत वो देश नहीं जो अपने दुश्मनों को बिरयानी खिलाए, भारत घर में घुसकर मारता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी पाकिस्तान की सुर्खियों में है। राजनाथ सिंह ने कहा था, भारत का दुश्मन यदि पाकिस्तान की तरफ भागेगा तो हम घुसकर मारेंगे। हाफिज सईद 12 फरवरी 2020 से 78 साल की सजा काट रहा है। उसे अब तक टेरर फंडिंग के 7 मामलों में पाकिस्तानी अदालतों ने दोषी साबित किया। भारत की जांच एजेंसियां भी उसे कई मामलों में तलाश रही हैं। हाफिज सईद को दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है हाफिज सईद। उस पर साल 1980 और 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। हाफिज सईद आतंकी ग्रुप लश्कर ए तैयबा का हेड है। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारत, अमेरिका, यूके, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, रूस आतंकवादी समूह घोषित कर चुके हैं। हाफिज सईद NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। साल 2008 के मुंबई हमलों का उसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। अप्रैल 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुंबई हमलों में हाफिज की भूमिका के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा था। भारत ने पाकिस्तान से उसे सौंपने की मांग की थी, हालांकि दोनों देशों के बीच कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं हो पाया। जुलाई 2019 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान की कार्य योजना की समीक्षा करने वाली थी, लेकिन इससे 3 महीने पहले ही सईद को पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। 11 साल जेल की सजा सुनाई। अप्रैल 2022 की शुरुआत में उसे आतंक के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त 31 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में 78 साल की सजा काट रहा है।